सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो दोस्तों देखो, गरम गरम वड़े तले जा रहे हैं, वहाँ पे पोहा बनाया जा रहा है और यहाँ पे अंकल फिर वड़े बना रहे हैं। और ये अपने सब दोस्त लोग दोस्तों आज मिल चुके हैं और हमारा प्लान बना है आज विसापुर फोर्ट जाने का। तो हाँ, आपने ट्रेन जर्नी तो देख ही ली, तो चलो अभी फटाफट नाश्ता वगैरह कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि फिर ऊपर कुछ नहीं मिलेगा और ट्रिक के बीच में कुछ खाना भी सही नहीं है, तो एक एक वड़ा पाव खा लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों फाइनल देखो, ऑल सेट, नाश्ता वगैरह भी कर लिया है और अभी निकल चुके हैं विसापुर फोर्ट की तरफ जाने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो स्टार्टिंग है ट्रिक की वो यही से नहीं है। दो रास्ते हैं, हम दूसरा रास्ता ट्राई करेंगे। जो पहला रास्ता है वो सीधा माउंटेन साइड से ट्रिक स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा लंबा पड़ता है वो, और जो दूसरा रास्ता है वो रोड से बहुत दूर तक जाना पड़ता है दोस्तों, और फिर वहाँ से एक ट्रिक स्टार्ट होता है, तो हम वो रास्ता ले लिया है। क्योंकि उसका रीज़न ये है दोस्तों, देखो ये भाजे धबधबा है और ये हमें ये रोड से मिलने वाला था, उस रोड से तो नहीं मिलता था। देखो भाजे वाटरफॉल क्या सही है यार, मतलब कुदरत का नज़रिया बहुत सही है। देखो फुल स्टेयर्स वगैरह बनाए हैं और काफ़ी सेफ जगह है ब्रोहा, काफ़ी सेफ जगह है, काफ़ी सेफ धबधबा है, तो इसीलिए आ चुके हैं यहाँ पे। तो थोड़े मज़े कुछ लुटते हैं यहाँ के और अपना ट्रिक कंटिन्यू करेंगे। देखो दोस्तों ऊपर आ चुके हैं और काफ़ी सही लग रहा है यार, मतलब फुल सेफ है दोस्तों, ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। नीचे स्टेयर्स भी है और इससे ऊपर तो नहीं जाता है कोई भी, क्योंकि जाना भी अलाउड नहीं है और जाना भी बहुत डेंजरस है यार। दोस्तों देखो क्या धबधबे दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो ऋषिकेश, ओम, गणेश भाई नाम का है, सौरभ और ये विवेक और मैं तो हुई। तो चलो चलते हैं अभी फटाफट दोस्तों विसापुर। इसके पहले बहुत से धबधबे मिले, 3-4 तो मिल ही गए आते आते, तो अभी फटाफट चलते हैं। बहुत खतरनाक ट्रैक होने वाला है, मतलब बहुत लंबा, और हमने तो ऑटो भी नहीं किया, फुल पैदल पैदल जा रहे हैं और मौसम एक नंबर है। धीरे धीरे बारीक बारीक बारिश हो रही है, लेकिन एक नंबर लग रहा है। देखो सामने के पूरे पहाड़ देख लो, क्या रे कहो क्या जाए। ऊपर आते आते तो बहुत लग रही है, हाँ बारिश, धीरे धीरे बारिश है और फुल फॉग है दोस्तों। फोन वगैरह फुल पन्नी में रख दिया है सबने, क्योंकि दोस्तों फोन अगर थोड़ा सा भी पानी रख के खराब हो गया तो फिर व्लॉग भी नहीं बन पाएगा और जो भी मेमोरी स्टोर करनी है वो मेमोरीज भी नहीं बन पाएगी। तो चलो चलते हैं अभी फटाफट दोस्तों ऊपर। ट्रैक तो स्टार्ट हो चुका है हमारा और बैग, उसमें बॉटल और जो जैकेट पहना है दोस्तों मैंने, वो काफी हेवी हो चुका है, मतलब 4 किलो वजन तो उसका बढ़ ही गया है, कि धबधबे में गीला हो चुका था तो उसी की वजह से। तो देखो कंधे पे लेके चल रहा हूँ, अभी जाना है ऊपर तक। तो देखो हमारी मंजिल दिख चुकी है, वहां पे जाना है दोस्तों ऊपर। तो यहाँ पे तो फिलहाल रोड है, हमारा ऑफ रोडिंग फुल प्रॉपर ट्रैकिंग चालू हो जाएगा यहाँ पे, मतलब जो गाड़ी से आते हैं वो यहाँ तक पार्किंग कर लेते हैं। रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर तो है ही, तो हम पैदल आए। तो दोस्तों देखो ट्रैक चालू हो चुका है हमारा, मतलब जो मेन वाला, अभी मतलब गढ़ के पास तो आ गए थे और फिर यहाँ से ट्रैक, अभी तक रोड था लेकिन अभी प्रॉपर जो ट्रैक रहता है वो चालू हो चुका है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे अच्छा लग रहा है चलने के लिए, ज़्यादा थकान नहीं हो रही है, लेकिन ऊपर आते समय जो लगी ना वो ऐसी लगी कि क्या बताए, बहुत सही एनवायरमेंट है दोस्तों, बहुत सही खतरनाक, मतलब आपने देखा ही अभी तक और भी दिखाऊंगा ऊपर, तो इससे भी अच्छा होगा, यही ऐसी जन्नत है, तो इससे अच्छा क्या। वाटरफॉल देखो दोस्तों, एक वाटरफॉल दिखा रहा हूँ आपको, क्या जबरदस्त है देखो, मतलब फुल सह्याद्री के दोस्तों अजूबे बोल सकते हैं, खतरनाक वाले। और ये देखो हम सामने और भी ट्रैकिंग ग्रुप्स है, तो चलो कोई टेंशन की बात नहीं है, चलते हैं अभी फटाफट।
तो दोस्तों अगर आप विसापुर का ट्रैक कर रहे हो तो एटलीस्ट 10 से 15 वाटरफॉल तो दिख ही जाएंगे रास्ते में। इधर से चला जाओ, फाइनली हमारा विसापुर ट्रैक अभी स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो इतनी ऊंचाई हमें चढ़नी है अभी। तो देखो ये बेस विलेज है ट्रैक स्टार्ट करने का, तो विसापुर किला गोइंग दोस्तों। चलो यहाँ पे स्टार्टिंग में पैर रहे थे, ऊपर नहीं है, ऊपर फुल ट्रैक है और फुल ट्रैकिंग ग्रुप्स वगैरह भी है। और सुबह के 8:30 बज चुके हैं, तो देखो इतनी गर्दी है। अगर थोड़ा भी लेट हो जाते 10 बजे तक तो बहुत भीड़ हो जाती है यार। संडे है, हर ट्रेकर को एक सपना रहता है कि सह्याद्री में घूमना है मानसून में, तो इसीलिए सुबह सुबह आ गए हम। 6 के ट्रेन से आए, देखो क्या सही ग्रीनरी है यार, बहुत सही है दोस्तों सह्याद्री। तो चलो अभी हमें मतलब बहते हुए पानी पे से ऊपर चढ़ना है, तो वो भी दिखाऊंगा ये आपको। और थकान तो लग रही है थोड़ी थोड़ी दोस्तों, मेरे पीछे का आवाज आप महसूस करो। बोला था बहते हुए पानी से जाना है, तो हाँ ट्रैक शुरू हो चुका है। यही रास्ता है दोस्तों, यहीं पे से जाना है। और बहुत लोग है, सेफ है, फुल सेफ है, हर बार बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स थे भैया सेफ नहीं है तो मत जा मानसून कड़े, लेकिन बहुत सेफ है। देखो सब दोस्त लोग फुल, पानी का बहाव भी ज़्यादा नहीं है और ऊपर जा रहे हैं हम। तो चलो ये देखो दोस्तों, जन्नत में जाने की तैयारी चल रही है फुल, क्योंकि ऊपर जाने के बाद फुल जन्नत ही दिखने वाला है। देखो बहता हुआ पानी, धीरे धीरे जेंटल फ्लो एकदम, और बहुत सही लग रहा है दोस्तों। इसमें से आधा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है हमारा, फाइनली 90% ट्रैक खत्म हो चुका है। देखो किले की दीवार दिख चुकी है और वहां पे से भी वाटरफॉल बहुत सही तरीके से बह रहा है दोस्तों। तो देखो ऊपर का ये नज़ारा, और ऊपर चलते हैं दिखाते हैं दोस्तों। अभी किले के बहुत करीब आ चुके हैं एंड दिस इज द व्यू जिसके लिए ऊपर आए हम। मैं प्रथम स्टार पे विसापुर किला पे पहुंच चुका हूँ और जिंदगी का 3rd शिवाजी महाराज का किला सक्सेसफुली कंप्लीटेड। हाँ, और यहाँ का व्यू देखो दोस्तों, मतलब स्वर्ग है पूरा। ये देखो दोस्तों क्या व्यू दिख रहा है, मतलब फुल बादल नीचे आ चुके हैं और काफी सही मजा आ रहा है। हाँ, फुल सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ है। यहाँ पे देखो ऋषिकेश नामदास कंगवे के साथ है, और ये देखो गणेश, ये अपने दोस्त लोग। और हवा महसूस करो आप, इतनी ज्यादा हवा आ रही है कि क्या बताए। बारिश नहीं है ज्यादा, अच्छा है क्योंकि शूट करने मिल रहा है, नहीं तो फिर कैमरे में अगर दोस्तों कुछ डाल दिया तो फिर क्वालिटी अच्छी नहीं आती यार। तो चलो सक्सेसफुली तीसरा किला कंप्लीटेड, अभी और घूमते हैं, जस्ट ऊपर आए अभी और घूमना है। 10:30 ही बज चुके हैं अभी। तो देखो दोस्तों कुदरत के नजरिए बहुत सही वातावरण हो चुका है ऊपर का। देखो फुल फॉगी वातावरण हो चुका है और हवा भी बहुत ज्यादा छूट चुकी है दोस्तों। तो हाँ फिलहाल तो यहाँ पे एक आधा घंटा तो रुकेंगे सब दोस्त लोग, कुछ नाश्ता पानी करेंगे दोस्तों। वो हमने नीचे से ही लाया था, वेफर्स ही लाया है, ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, हैवी नहीं खाना है। और ऊपर बहुत महंगा है, लोग बोलते हैं कि महंगा है महंगा है, तो हाँ महंगा तो रहेगा भाई, इतना ट्रैक करके वो भी ऊपर लाते हैं सामान। तो इसीलिए अगर 20 रुपए की चाय भी होगी ऊपर तो दोस्तों खुशी से ले लो और उनको खुशी से 20 रुपए दे दो, क्योंकि उनकी भी मेहनत है यार, उनका भी पेट अपने से ही चलता है ट्रैकर्स से ही, तो जरूर हेल्प करें उन्हें भी। तो विसापुर किले में वैसे तो कुछ ज्यादा देखने लायक नहीं है, तो हाँ अभी हम जा रहे हैं महादेव मंदिर के तरफ दोस्तों, क्योंकि ये किला जो है वो अभी सही अवस्था में नहीं है, तो जो जो मेन मेन स्पॉट्स बचे हैं वही देखने मिल सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। ये देखो महादेव मंदिर, तो दोस्तों यहाँ पे महादेव मंदिर है शिवकालीन, तो वो देखना है हमें दोस्तों। किला कैसा भी रहे यार, महाराज का किला है तो एक बार दर्शन लेने तो आना ही पड़ता है, तो इसीलिए आ जाते हैं। वैसे बहुत एकदम मतलब लोहगढ़ जैसे साबुत किला नहीं बचा ये,
थोड़ा टूट गया है क्योंकि बहुत ऊपर है, और थोड़ा दोस्तों नेचर के बीच में कंटिन्यू बारिश चलती रहती है तो थोड़ा ऐसा कुछ हो जाता है। तो चलो चलते हैं अभी महादेव मंदिर एक्सप्लोर करने, और दोस्तों आपको दिखाने शिवकालीन महादेव मंदिर। महादेव मंदिर के भी दर्शन कर लिए, और नाउ इट्स टाइम टू दोस्तों ट्रैक का सही जो पहलू है वो स्टार्ट करने का, जो कि है किला उतरने का दोस्तों। तो हाँ ऊपर आए, बारिश बढ़ चुकी है अभी, और ट्रैक जितना ही दोस्तों डिफिकल्ट दिख रहा था ऊपर चढ़ने के लिए, उससे कई डिफिकल्ट है अभी ट्रैक नीचे उतरना। तो देखो सब लोग अभी ऊपर आ रहे हैं एंड इट्स आर टाइम, और जो प्रॉपर ट्रेकर्स है दोस्तों उनका टाइम है नीचे उतरने का। तो दोस्तों अपने दोस्तों का दूसरा ग्रुप जो है वो भी मिल चुका है, और ये अभी ऊपर चढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे धबधबा भी दिख चुका है विसापुर किले का दोस्तों। तो बहुत लोग यहाँ से भी ट्रैक स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ से ये रूट से, तो हम उस रूट से आए अभी इस रूट से उतर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों भी रूट उतरने के लिए उतने ही डिफिकल्ट है, तो वी चूज सेकेंड वन दोस्तों। तो यहाँ पे देखो जो हनुमान जी की मूर्ति है दोस्तों, बहुत फेमस है विसापुर किले पे की, तो उनके भी दर्शन हो रहे हैं। बहुत कम चीज़ है यार विसापुर में, तो वो भी देख लेने चाहिए। वैसे तो बहुत है, जिसको हिस्ट्री पता है दोस्तों उसके लिए बहुत सही किला है, लेकिन उतनी हिस्ट्री नहीं पता इसीलिए दोस्तों ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं किला। देखो ये है सेकंड रास्ता दोस्तों जाने के लिए। तो हाँ ये तो बाजू में थोड़ा सा वाटरफॉल है, तो हमको तो इधर से जाना है। तो चलो बहुत से ट्रेकर्स आ भी रहे हैं दोस्तों, और बहुत से उतर भी रहे हैं, तो हाँ एक दोनों का मतलब सपोर्ट मिल जाता है रास्ता ढूंढने के लिए। फाइनली दोस्तों देखो गढ़ उतरना शुरू हो चुका है, और 20% गढ़ जो है वो हमने उतर भी लिया है दोस्तों। देखो बहुत से लोग हैं उतरने वाले भी आगे पीछे, और बहुत सपोर्ट हो रहा है क्योंकि ये दोस्तों दो तीन ग्रुप्स अगर साथ में रहे तो फन भी होता है और मज़ा भी आता है यार उतना ही, क्योंकि आने वाले जाने वाले और बहुत लोग गाने भी लगा रहे हैं शिवाजी महाराज के, तो एक एनर्जेटिक मोमेंट रहता ही है, ऊपर से बारिश भी है ही। बहुत 15 मिनट लगे, बस ज़्यादा नहीं 15 मिनट। ए रुचा अड़ू अड़ू तो उतरते समय तो ज्यादा शूट नहीं कर पाया एंड नाउ वी आर डाउन। तो दोस्तों हाँ नीचे उतर चुके हैं, अभी बस इतना क्रॉस करना है, और देखो हम बेस विलेज पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से रेलवे स्टेशन तक का 1.5 किलोमीटर का सफर तो है, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर पकड़ ही लो दोस्तों, मतलब कुछ ना कुछ 15 किलोमीटर तो दिन में चल ही गए हैं आज। तो देखो यहाँ पे राइस प्लांटेशन हो रहा है दोस्तों, राइस की खेती तो ये भी दिख चुकी है दोस्तों। तो चलो अभी फटाफट जाना है हमें रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों कैसे लगा आपको विसापुर का ये व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए यार।